जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। डिफेंस अपडेट भारत में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम दो डिफेंस न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। नंबर वन अपडेट में बात करेंगे स्वदेशी विकसित लाइट चॉपर हेलीकॉप्टर को 2022 से एचएएल के तरफ से हमारे आर्म फोर्सेस को डिलीवरी कर दिया जाएगा। मतलब 2022 से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से हमारे आर्म फोर्सेस को डिलीवरी करना शुरू कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, भारत चीन सीमा पर दौलत बेग ओल्डी DBO हवाई पट्टी सहित हाई एल्टीट्यूड एरिया उच्च ऊंचाई के संचालन के दौरान इसे साबित करने के बाद स्वदेशी प्रकाश उपयोगिता हेलीकॉप्टर, जिसे हम लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर कहते हैं, तो ये LUH हेलीकॉप्टर के साथ इंडियन आर्म फोर्सेस अब आगे बढ़ेगी। जी हाँ, हेलीकॉप्टर के डेवलपर और निर्माता, जिसे हम हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कहते हैं, तो ये अगले साल अगस्त तक फास्ट डिलीवरी की उम्मीद के साथ डिफेंस मिनिस्ट्री ने फ्री 12 यूनिट्स LUH हेलीकॉप्टर्स के लिए ऑर्डर देने की बात कही है। जी हाँ, जानकारी के लिए बता दें कि ये हेलीकॉप्टर को हमारे भारत में स्वदेशी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी में विकसित किया गया है, जो कि हमारे खुद का स्पेयर पार्ट और कंपोनेंट यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जो कि हर टाइम हर सिचुएशन में भारत की आर्म फोर्सेस को सेवा प्रदान करेगी। विशेष तौर पर यह हेलीकॉप्टर को हाई एल्टीट्यूड एरिया में ट्रांसपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे नंबर टू अपडेट में बात करेंगे भारतीय सेना के लिए बख्तरबंद सामरिक वाहन बनाने के लिए महिंद्रा डिफेंस अपने काम में और तेजी ला रहा है। जी हाँ, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स LTD, जो कि महिंद्रा ग्रुप का हिस्सा है, ये कंपनी ने मंगलवार को कहा कि उसने संपर्क मूल्य जीता है। जी हाँ, जो कि भारतीय सेना के लिए कंपनी के तरफ से अपने पुनरावर्ती और हथियार वाहक आवश्यकताओं के लिए बख्तरबंद सामरिक, जिसे हम आर्म टैक्टिकल व्हीकल कहते हैं, तो यह वाहनों को मैनुफैक्चर करने के लिए 1056 करोड़ रुपया रखा गया है, जो कि यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट के तरफ से रखा गया है, जो कि कंपनी से 2025 तक रिक्वायर्ड के मुताबिक सारे व्हीकल्स को हासिल कर लिया जाएगी। मतलब 2021 से डिलीवरी शुरू होगा, 2025 तक सारे डिलीवरी कंपनी के तरफ से हमारे आर्म फोर्सेस को कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, यह आर्मर टैक्टिकल व्हीकल को उच्च ऊंचाई रेगिस्तान और मैदानों सहित विभिन्न एरिया में भारतीय सेना के द्वारा किए गए कठोर परीक्षण में ये आर्म टैक्टिकल व्हीकल खड़ी उतरता है, जिसे फ्यूचर में हमारे आर्म फोर्सेस की फायर पावर को बढ़त देने के लिए बहुत ही सारे ऐसे ही आर्मर टैक्टिकल व्हीकल को शामिल कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह था अपडेट्स। आशा करता हूँ ये अपडेट्स आपको जरूर अच्छा लगेगा। एक बड़ा थम्स अप दीजिए डिफेंस अपडेट भारत को, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।